सीरिया में आए भूकंप से भारी तबाही हुई है। 7.8 तीव्रता के इस भूकंप से तमाम जगहों पर कई सारे शहरों में तुर्की और सीरिया में जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि दक्षिणी तुर्की के केरमान मराश प्रांत और बाजारी इलाका मुख्य रूप से भूकंप की चपेट में आया है। अधिकारियों का कहना है कि इस भूकंप के झटके सीरिया के इलाकों तक महसूस किए गए। तुर्की के गृहमंत्री का कहना है कि इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। अलबत्ता भूकंप के बाद जो बाद में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं उसकी वजह से परेशानी यानी आकर्षक की वजह से परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान हताया और गाजी अंताब में हुआ है जहाँ बचाव काम के लिए टीमें भेजी गई हैं। तुर्की के अनादोलू न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि कहरमान मराश इलाके में बड़े पैमाने पर आग लग गई और सूत्रों से जो खबर आ रही है उससे वो बताते हैं कि बहुत सारी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। बचाव अभियान चल रहे हैं। अब तक तुर्क प्रशासन ने की तरफ से कोई जानमाल का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, मगर जो रिपोर्ट ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए हासिल हो रही है उनके मुताबिक तकरीबन 2000 लोग तुर्की और सीरिया में अब तक मारे जा चुके हैं और तकरीबन 10,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं और 5,500 के करीब मकान अब तक इससे गिरे हैं। जर्मनी ने इस मौके पर ज्योग्राफिकल स्टडी सेंटर ने कहा है कि सोमवार को सुबह मध्य तुर्की में 7.7 रिक्टर का भूकंप आया जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। तुर्की उन इलाकों में है जहां बहुत अधिक भूकंप आते हैं। पिछले साल नवंबर में 6.7 रिक्टर का भूकंप आया था जिसमें तकरीबन 50 लोग घायल हुए थे। 2020 में भी यहाँ पर कई बार भूकंप के झटके आए थे। ये जो भूकंप आज तुर्की के अलावा कई सारे मुल्कों में सीरिया फलस्तीन जॉर्डन कई सारे मुल्कों में इसके झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूभागीय सर्वे के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सीरियाई सीमा से के करीब महसूस किया गया। यह 7.8 तीव्रता का था। तुर्की के दक्षिण में सीरिया सीमा के पास स्थानीय समयानुसार 4.17 मिनट पर भूकंप का बहुत ताकतवर झटका महसूस किया गया था। पहले झटके के कुछ मिनट बाद एक और बहुत ताकतवर झटका महसूस किया गया। तुर्की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि पूरे इलाके में एक के बाद एक 40 से अधिक आफ्टरशॉक महसूस किए गए हैं। तुर्की समेत लेबनान सीरिया साइप्रस इसराइल और फलस्तीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। यहाँ बहुत तेज़ी से बचाव काम शुरू किए गए हैं। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक तुर्की और सीरिया में अब तक तकरीबन 1936 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 के करीब शदीद जख्मी हैं। ये जो तुर्की में जो झटके आए थे ये दो हैं। उसके बाद अभी बिल्कुल कोई 5-7 मिनट पहले तीसरा एक और भूकंप आया है तुर्की के अंदर जिसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है। बता दें कि जो झटके सुबह से लगना शुरू हैं बीती रात से लगना शुरू हैं वो अभी वहाँ जारी हैं। बार बार बीच बीच में हल्के झटके लग रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को राहत काम में जो कर रहे हैं उसमें परेशानी हो रही है। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान ने कहा है कि भूकंप का बड़ा असर देश के 10 बड़े शहरों पर हुआ है। तुर्की और उसके पड़ोसी सीरिया में भूकंप के कारण बहुत सारी मौतें हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौत का ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि देश में भूकंप के कारण मौतों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है जबकि घायलों की संख्या में भी इजाफा होने की
उम्मीद है। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक यहाँ 237 लोगों के मरने और 600 से अधिक के घायल होने की खबर है। सीरिया के अपोलो लाटकिया हमा और टर्टास के में भूकंप के कारण भारी तबाही की खबरें हासिल हुई हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें गिरने की भी खबर है। यूके स्थित सीरियाई ऑब्जर्वर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया में भूकंप से 320 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर ने सोमवार सवेरे आपातकालीन बैठक की और जो नुकसान हुए उनका जायजा लिया। इस दौरान अमेरिका ने मदद के लिए पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से कहा है कि आकलन करने को कहा है कि ऐसे हालात में किस तरह की मदद पहुंचाई जाए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति सलाहकार ने कहा है कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही से अमेरिका चिंतित है। उन्होंने लिखा कि मैं तुर्की में अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। इस मौके पर हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। हम तुर्की में स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों पर अपना दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि तुर्की में आए भूकंप के कारण हुई जानमाल की क्षति से दुख हुआ। शोक संलिप्त परिवारों को संतावना, घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारत तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है और हर संकट से उभरने में हर संभव मदद करने को तैयार है। इस मौके पर इसराइल के विदेश मंत्री ने भी इसराइल की तरफ से भी मदद की पेशकश की गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर राहत कार्यों में मदद के लिए उनके सैनिक तुरंत रवाना होने को तैयार हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने बयान जारी किया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने भूकंप पीड़ित इलाकों में शुरू हुए बचाव कार्य अभियानों को लेकर ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैं पूरे देश के सभी इलाकों पर भूकंप से प्रभावित इलाकों पर की हम जानकारी ले रहे हैं और नागरिकों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। हमारे सभी बचाव दल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारी तलाश और बचाव टीमों को भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय समेत तमाम अन्य एजेंसियों की ओर से बचाव अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि अब तक जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वहाँ पर बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और तीसरा भूकंप जैसे अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, अब से करीब 20 मिनट पहले तकरीबन वहाँ पर 7.5 की तीव्रता का फिर से आया है। अभी तक जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 2000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इसमें 10,000 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर है और तकरीबन 5,000 मकानों को नुकसान हुआ है। कई जगहों पर आग लगी हुई है, बचाव काम जारी है। टर्किश जो सेना है वो भी इस काम में बचाव के राहत कामों में जुट चुकी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी जंग न्यूज़। शुक्रिया।